हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है उदास, मैं हूं बशीर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है व्हाई इज चाइना एंग्री आवर जयशंकर पाकिस्तान विजिट, विल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इंप्रूव। तो भाई साहब, चाइना बहुत गुस्से में है जो जयशंकर साहब विजिट किए पाकिस्तान में और जो अभी तक कुछ हो रहा है यार, उसकी डिटेल वीडियो लेकर आए। अगर सच्ची बात बताऊं ना, जिस दिन चाइना का वजीर आजम आया था, बड़ा उसके मीडिया ने हमारी बोला। जैसे ही जयशंकर सर आया, सारा मीडिया पाकिस्तान का हो गया ही होता। मतलब जयशंकर सर सारी स्पॉटलाइट ले गए, स्पॉटलाइट ले गए वाकई में। तो भाई चाइना गुस्से में, पहले देखते हैं कौन करते हैं रिटर्न एंड स्टार्ट। पूरी दुनिया का मीडिया जयशंकर साहब पे फोकस है। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू, मैं हूं प्रशांत धवन। नवाज के समय पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एसईओ समिट, मगर लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान एसईओ समिट होस्ट कर रहा है। सारी अटेंशन आप अगर देखोगे, ना सिर्फ इंडियन मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया, ग्लोबल मीडिया सबकी है भारत के विदेश मंत्री पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्री आज के समय पाकिस्तान में, इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में। और इस विजिट को कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक विजिट है। 9 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पे है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वजीरे खारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वजीरे खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ातरीन मनाज़िर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वजीरे खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वजीर आजम मुसाफा कर रहे हैं। और मुझको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े हो जहाँ पर ये लिखा है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम। देखिए हेडलाइंस ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम ने डिनर होस्ट किया है, जयशंकर साहब वहां पे गए। देखो ये जो डिनर है ये एसईओ के सभी मेंबर्स के लिए है। और जो सारे मेंबर्स हैं एसईओ के, इनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 10 देश हैं एसईओ में। तो अगेन यहाँ पे हम बेलारूस, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर हेडलाइन आ रही है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम, तो अब तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, क्या पता इंडिया मान जाए, इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में, कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के परस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इंडिया एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है मगर डॉक्टर एस जयशंकर को क्यों भेजा। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, कई चाइनीज़ कमेंटेटर्स हैं, कई सरकारी कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि देखिए एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट है। मतलब कि इंडिया की तरफ से इंडिया को पीएम मोदी को भेजना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से इनके विदेश मंत्री नहीं गए, इनके प्रीमियर गए। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रीमियर है, जो आप कह लीजिए वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रीमियर कहते हैं। शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हो गए, जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी है भारत में, शी जिनपिंग है चाइना में। और फिर अगर पीएम की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी, चाइना में आज के समय है ली क्वांग। तो ली क्वांग बिल्कुल गए हैं पाकिस्तान, इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया है इन पाकिस्तान। और चाइना एससीओ को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंत्री को भेज करना एससीओ की जो इम्पोर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर, ये काफी कम कर दी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप चाइना का जो सोशल मीडिया उधर आप देखोगे, स्पेशली जो बाइडू के आर्टिकल्स है वहां पे आप देखोगे, कई जगह ये बात लिखी जा रही है कि एक बहुत ही रेयर विजिट तो है फ्रॉम इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान, बट चाइना चाहता रहा कि इस समिट को पीएम मोदी खुद अटेंड करे। और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया एससीओ को उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे पहले 2023 में जब एससीओ समिट भारत को होस्ट करना था, इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट होस्ट नहीं किया, सभी कंट्रीज को कहा कि वर्चुअल समिट कर लेते हैं, अपने अपने देशों में बैठिए वर्चुअली, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में ये पूरा समिट निपटा लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्ट खो रहा है, इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर होगा हाँ। ये बात भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चलानी ने रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल लिखा था, इन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये देख रहा है कि एशिया में ऐसे देश है जिनके ऑब्जेक्टिव, जिनके ग्लोबल एम वो भारत के साथ मेल नहीं खाते। ये तो भारत का आम जनमानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप
जहां पर ईरान हो, जहां पर चाइना हो, जहां पर पाकिस्तान हो, आई मीन रशिया एक अलग कंट्री है, रशिया के साथ कई जगह हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं, बट इन तीन कंट्रीज के साथ और बाकी कई कंट्रीज के साथ भी ना इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीप इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है एक साथ, तो इंडिया को इतना ज्यादा इंसेंटिव लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों हम भव्य एसईओ का समिट होस्ट करें जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चेंगे फॉरेन लीडर्स की सेफ्टी के लिए, इनका वेलकम होगा और फिर पीएम मोदी खुद जाए पाकिस्तान में एसईओ का समिट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने दो मैसेज भेजे हैं, पहली बात तो एक ऐसा समिट जिसकी साइडलाइंस पर पाकिस्तान चाइना की अलग से मीटिंग होती है और कश्मीर इशू का मेंशन किया जाता है जो इस बार समिट में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान चाइना के जो पीएम हैं इन्होंने कश्मीर को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है एससीओ समिट की साइडलाइंस पर। अब ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए खराब है, इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है एससीओ हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगा इज लूजिंग इंटरेस्ट, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, हमारा कुछ खास अभी इंटरेस्ट है नहीं एससीओ में। मेन फोकस ये है कि जो हाल एससीओ का हुआ है ब्रिक्स का वो हाल ना हो जाए। ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दूं इंडिया पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में कंसेंसस की पॉलिसी है, ये नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से होगा कि 10 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री होनी चाहिए तो एंट्री हो जाएगी। कंसेंसस में अगर एक ब्रिक्स कंट्री ने भी ये कह दिया कि इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए तो उस कंट्री को ब्रिक्स में चाइना रशिया या कोई भी कंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये समिट काफ़ी इनफेक्टिव है, कोई बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर साइन नहीं होने वाला। जयशंकर साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे और ये देती है कि इफ़ एक्टिविटीज कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म ट्रेड वोंट बी एनकरेज्ड, तो ये बात इंडिया ने ओपनली पाकिस्तान चाइना दोनों के सामने कह दी है कि आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कोऑपरेशन मस्ट बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो हमेशा की तरह इंडिया कहता है। और यहाँ पे ये कहीं से अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एससीओ छोड़ भी दे, जी हाँ एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है, अगर मान लीजिए कल को चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है उस केस में हो सकता है कि इंडिया एससीओ से बिल्कुल विड्रॉ भी कर ले। अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इंडिया बस एक टोकन पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर देता है हर साल की। आई वोंट बी सरप्राइज के बहुत लंबे समय के बाद इंडिया एससीओ में ना रहे। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग है, ब्रिक्स एससीओ को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा, ब्रिक्स इज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। बट जब तक एससीओ को एक प्रॉपर दिशा नहीं मिलती, इस ग्रुप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से रीजन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ना, इंडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एससीओ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, माउंट एडम्स आज के समय खत्म, तो ये था यार गाइस सारा सीन देखा जाए तो वाकई इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है, ये चीज है। और यार अगर मैं एक बात बोलूं ना, देखो पाकिस्तान के लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ऐसे क्या हम लोगों के लिए पाकिस्तान G20 की मीटिंग थी, पाकिस्तान को ये मतलब नहीं है कि भाई इससे आगे क्या होगा, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत सारी मीटिंग का देखा उसका मसला का हल कोई नहीं निकलता। आप इसमें मीटिंग कर लेते हैं लेकिन उसका मेन वो हल नहीं निकला जिस तरीके से निकलना चाहिए, चाहे सार्क को देख लो, चाहे एससीओ को देख लो, चाहे कोई भी। लेकिन पाकिस्तान का ये फायदा था इसमें कि यार किसी तरीके से जो है ना एक मंच देश आ जाए, देश आ जाए, क्योंकि बहुत टाइम से पाकिस्तान नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, पाकिस्तान के लिए ये बेहतर था। चाइना क्यों गुस्से में, क्योंकि शंघाई एससीओ ये है ही उसी की, मतलब उसी ने स्टार्ट किया था, नाम में शंघाई है ना, शाम ने शामिल किया था, तो वो इसलिए गुस्से था कि पीएम मोदी को आना चाहिए, पीएम मोदी अच्छी अच्छी जगहों पर नहीं आते तो वो कैसे आएंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जयशंकर सर जो आया ना यही समझो पीएम मोदी आए, सही बात है, बहुत बड़ी बात है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना।